एश कैचम पोकेमोन एनिमे का मेन कैरेक्टर टाइम टू टाइम ऐसी चीजें करता रहता है जो पोकेमोन ऑडियंस को शॉक देती है। वैसे तो एश के पास काफी वैरायटीज के पोकेमोन हैं, जो कुछ तो ओवर पावर्ड हैं और कुछ नल्ले पोकेमोन हैं, बट उसके पास कुछ ऐसे पोकेमोन भी हैं जो हमने सोचे भी नहीं थे कि एश उन्हें अपनी जर्नी का पार्ट बनाएगा। सो गाइज, मैं हूँ चिराग वर्मा एंड आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 पोकेमोन नो वन एक्सपेक्टेड एश टू कैच। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही पोकेमोन वीडियोस देखने के लिए। चलिए फिर बिना पोकेमोन टॉपिक्स को रिपीट किए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, शाइनी नॉकटाउल। एश हर एक रीजन के अंदर एक रीजनल बर्ड पोकेमोन को पकड़ता है और इसमें कोई न्यू बात नहीं है, बट वो अगर एक शाइनी पोकेमोन पकड़े तो उसमें कुछ न्यू बात है जो एश के साथ हमें ज्यादा क्या देखने को ही नहीं मिलता। ये नॉकटाउल बाकी के नॉकटाउल से थोड़ा छोटा है एंड एक बात और ये भी है कि एश ने इस बार नॉकटाउल को उसके फुली वॉल फॉर्म में पकड़ा, जबकि वो बाकी के रीजन्स के अंदर रीजनल बर्ड्स को उनके फर्स्ट स्टेज फॉर्म में पकड़ता है। नंबर 9, पोईपोल। पोईपोल एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन, कौन बिलीव कर सकता है। नंबर 8, गिबल। एश फर्स्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमोन इज गिबल। गिबल को पकड़ने से पहले एश को खुद पता नहीं होगा कि वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने जा रहा है। मैंने इस बात को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एश कभी गिबल को अपनी टीम का एक पार्ट बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीनो की जर्नी ऑलमोस्ट एंड पे थी। गिबल एक बहुत ही एनर्जेटिक पोकेमोन है जिसे शाइन करने का मौका मिला था सीनो लीग में, जहां वो कॉनवे के पोकेमोन शकल एंड डक्सनेयर के अगेंस्ट ट्रैकोमीटर का यूज करके एश को बचाता है बैटल को हारने से। नंबर 7, स्नोरंट। स्नोरंट एक ऐसा पोकेमोन जिसे मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एश उसे पकड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो होइन से पहले एश के पास सिर्फ एक ही आइस टाइप पोकेमोन था लैपरस, जो उसने ऑरेंज लीग के जर्नी के स्टार्टिंग में पकड़ा था और एंड में छोड़ भी दिया था। जैसे प्राइम में एश की टीम में आया, वैसे ही स्नोरन भी एश के बैजेस चुरा के आया। बस फर्क इतना था कि प्राइम मैप को एश ने छोड़ दिया और स्नोरन इस बार एश की टीम में ही रह गया। आइस बी में मास्टरी करने के बाद वो इवॉल्व हुआ एंड एश के हुइन की टीम का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर भी बना। नंबर 6, टॉरस। देखो, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि एश के पास टॉरस आ गए, बल्कि सरप्राइज वाली बात थी इंग्लिश एंड हिंदी ऑडियंस के लिए। आउट ऑफ नोवेयर एश के पास 30 टॉरस आ गए, और इसका रीजन हमें बाद में पता लगता है कि इस एपिसोड को जिसमें एश ने 30 टॉरस पकड़े थे सफारी जोन से, एपिसोड का नाम था द लेजेंड्स ऑफ ड्रेटेनी। उस एपिसोड को जापान के बाहर रिलीज ही नहीं किया गया था कुछ इश्यूज की वजह से। नंबर 5, ड्रैगोनाइट। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि ड्रैगन पोकेमोन और एश के बीच का डिस्टेंस उतना है जितना हम सोच भी नहीं सकते। एश ड्रैगन पोकेमोन्स को पकड़ता तो है, लेकिन उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाता कि वो उसकी टीम का स्ट्रॉन्ग मेंबर बन पाए। एग्जाम्पल के लिए गिबल ले लो, बट एश जब गैला रीजन के अंदर ड्रैगनॉइड को अपनी टीम का मेंबर बनाता है, तब वो एक शॉकिंग बात होती है, क्योंकि एश के साथ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती नहीं है, और अगर हमें देखने को मिल रही है तो हम इसके मजे उठाने चाहिए, क्योंकि हु नोस एश ड्रैगनॉइड को अपनी टीम से कब बाहर निकाल दे। नंबर 4, गैलारियन फारफेच। हमारा महान एश नॉर्मल रीजन के अंदर अपने रीजन के यूनिक पोकेमोन तो पकड़ता नहीं, तो हम इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एश कैंटो वाले पोकेमोन को उसके गैलारियन फॉर्म में अपनी टीम का एक मेंबर बनाएगा। इस फारफेच को बैटल करना हद से ज्यादा पसंद है एंड एश को भी। मे बी यही एक रीजन हो सकता है कि फारफेच ने एश को चूज किया जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सके, ताकि वो टफ अपोनेंट से फाइट कर सके। देखा जाए तो फारफेच ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है रियोलू से बैटल करने में, जो कि अब लुकारियो में इवॉल्व हो चुका है। नंबर 3, ड्रैकोविश। क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता था एश से कि वो एक फॉसिल पोकेमोन को पकड़ेगा। मैंने तो यार बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि जब एश कैंटो से लेकर अलोला तक के फॉसिल पोकेमोन नहीं पकड़ पाया तो मैं गैलार में उससे क्या उम्मीद रखता। बट एश ने हमको गलत प्रूफ कर दिखाया। ड्रैकोविश एश का फर्स्ट गैलारियन पोकेमोन है, जो कि एक रीजनल फॉर्म पोकेमोन नहीं है, बल्कि एक प्योर गैलारियन पोकेमोन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एश की टीम में रहकर ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है, और क्या ये एश को चैंपियनशिप जितवा पाएगा, या फिर एश के कुछ पोकेमोन की तरह एक शोपीस वाला पोकेमोन बन के रह जाएगा एश की टीम के अंदर। नंबर 2, गेंगार। अगर किसी घोस्ट पोकेमोन की बात करें एश की टीम के अंदर, तो हमें हॉन्टर की याद आती है, जो कि एश का एक अनऑफिशियल पोकेमोन था। एश की दुनिया में इस टाइम घोस्ट पोकेमोन की बात करें तो वो गेंगार है। एश ने एक बार कैंटो में उम्मीद जगाई थी कि वो हंटर को अपना पार्टनर बनाएगा, बट उसने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया था।
कैंटो से अलोला तक एश का कोई भी घोस्ट पोकेमोन नहीं रहा उसकी टीम के अंदर। बट जब एश गैलारीजन में गैंगार को चूज करता है, या बोले कि गैंगार एश को चूज करता है, तब वो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था एश के लिए भी और हमारे लिए भी। सो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने नंबर वन स्पॉट गैस कर लिया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर वन लुकारियो। जब रियोलू इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम गैलारीजन में, तब मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमेशा के जैसे एश इसकी हेल्प करेगा और वो फिर रियोलू को चले जाने के लिए बोल देगा, जैसे कि सीनियर रीजन के अंदर हुआ था। क्योंकि पोकेमोन कंपनी हम ऑडियंस के साथ हर बार खेलती है और आगे भी वो खेलती ही रहेगी, ऐसा मेरे को लगता है। बट फाइनली एश गैलारीजन के अंदर रियोलू को सच्ची में पकड़ लेता है और तब वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था हम सभी पोकेमोन ऑडियंस के लिए, या बोले पोकेमोन फैंस के लिए। देखा जाए तो गैलारीजन अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरा हुआ है और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आगे भी गैलारीजन के अंदर हमें ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलती रहें जो कि पोकेमोन फैंस को दुखी नहीं बल्कि खुश करें। वेल, इस बात को छोड़ते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट मुझे तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड पोकेमोन कौन सा था जो एश ने अब तक पकड़ा है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज, मिलते हो तुम सबसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।